हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग साइकोएनालिटिक मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर व्हिच वाज फॉर्मुलेटेड बाय सिगमंड फ्रॉयड एंड वी हैड डिस्कस्ड मेनी कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू दिस मॉडल एंड एज एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉडल मैंने ये बात की थी कि इसकी मुख्य जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ईडीगो एंड सुपर ईगो है, दूसरा स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हैं, फिर एंग्जाइटी की कॉन्सेप्ट भी फ्रॉयड ने बताया कि क्या है, एंड देन डिफेंस मैकेनिज्म्स की हमने बात की, एंड देन देयर वाज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच वाज दैट ऑफ अनकॉन्शियस। तो हमने ये पहले की जो चार कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमने डिस्कस कर ली थी और अब हमारे पास जो है वो बचा है अनकॉन्शियस के बारे में डिस्कस करने को। तो टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस जो है वो क्या है? अनकॉन्शियस जो है वो माइंड का एक स्तर या लेवल है, या कह सकते हैं कि फ्रॉयड ने ये कहा कि जो हमारा माइंड या मन होता है वो तीन विभिन्न स्तरों पर काम करता है, और वो तीन जो विभिन्न स्तर हैं वो है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ हमने अनकॉन्शियस माइंड को इसलिए ज़्यादा हाईलाइट किया है क्योंकि जो फ्रॉयड ने अबनॉर्मल बिहेवियर के जो कारण बताए हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू बताई है। लेकिन उससे पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड। तो जो माइंड है तीन स्तरों में बटा हुआ है, तीन लेवल्स हैं उसके काम करने के। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है ये वो स्तर है माइंड का जो हम जिसके बारे में अवेयर होते हैं, जो चेतन होता है, जो हमें उस वक्त के बारे में बता रहा होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ये साइकोएनालिटिक मॉडल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो इस वक्त जो आपका माइंड फंक्शन कर रहा है, माइंड का स्तर जो फंक्शन कर रहा है वो है कॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसकी वजह से आप अपने चारों तरफ की घटनाओं से, आप अपने वर्तमान विचारों से, भावनाओं से, एक्सपीरियंसेस से अवगत होते हैं या जुड़े हुए होते हैं या उसके बारे में अवेयर होते हैं। तो वो स्तर जो हमें वर्तमान में अवेयर कर रहा है हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे बाहर की घटनाएं और जितने भी हमारे अनुभव हैं, विचार हैं, उन सब के बारे में जब हम अवेयर होते हैं वर्तमान में, तो वो जो माइंड का स्तर होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड। दूसरा आ जाता है सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड जो होता है ये वो स्तर होता है मन का जिसके बारे में हम वर्तमान में तो अवगत नहीं होते, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस या चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड को हम चेतन मन भी कह सकते हैं, तो चेतन मन से हम मन के एकदम जो नीचे स्थित होता है वो होता है अवचेतन या अर्धचेतन या पूर्व चेतन मन। अब ये क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि जो कॉन्शियस माइंड होता है या चेतन मन होता है वो स्तर होता है माइंड का या मन का जिसके बारे में हम वर्तमान में पूरी तरह से अवगत होते हैं, अवेयर होते हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, बाहर चारों तरफ हमारे क्या हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है या प्री कॉन्शियस माइंड होता है या अर्धचेतन मन होता है, इसको इसकी अवेयरनेस हमें उस वक्त नहीं होती, लेकिन बहुत आराम से, बहुत जल्दी ही हम उसकी अवेयरनेस को कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं थोड़ा सा अपनी मेमोरी को यूज़ करके। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि इससे पहले हमने कौन सी कॉन्सेप्ट की थी,
डिस्कस। तो हो सकता है एकदम से आपके मन में ना आए, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी, थोड़ा सा आप एफर्ट करोगे सोचने में, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इससे पहले हमने डिफेंस मैकेनिज़म्स वाली कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस की थी। तो इसका मतलब वो कहाँ है, वो आपकी मेमोरीज़ में, वो आपके एक्सपीरियंसेस में स्टोर्ड है मन के किसी स्तर पे, और उस स्तर को अर्धचेतन मन कहते हैं, जिसकी घटनाएं, जिसके विचार, जिसकी भावनाएं जो हैं वो आपको थोड़ा सा प्रयास करने के बाद आप उसके बारे में याद कर पाते हैं या उसके बारे में अवगत हो जाते हैं या उसके बारे में आपको पता चल जाता है, अवेयरनेस हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। तो वो हो गया मन का अर्धचेतन भाव। देन जो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मन का स्तर है, जिसको फ्रॉयड ने बहुत इम्पॉर्टेंस दिया है और जिसको एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए यूज़ किया है, दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली जो अनकॉन्शियस वाली कॉन्सेप्ट है, ये मन के या माइंड के विभिन्न स्तरों के बारे में है, और इसके जो पहले दो स्तर हैं वो चेतन मन या जिसको कॉन्शियस माइंड हमने बोला, देन अर्धचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोला, और थर्ड जो है दैट इज़ अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलेंगे अचेतन मन। अब ये फ्रॉयड ने बोला कि जो ये चेतन मन है या अर्धचेतन मन है, ये मन का बहुत कम हिस्सा है या मन का बहुत कम स्तर है। ये मतलब मन जो है ज़्यादातर कहाँ ऑपरेट करता है, कहाँ फंक्शन करता है, अनकॉन्शियस लेवल पे। तो फ्रॉयड ने कहा कि ये जो है बहुत बड़ा स्तर होता है मन का, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें हमारी रहती हैं। और इसमें कौन सी चीज़ें रहती हैं, कौन से भावनाएं रहती हैं, या कौन सी इसमें विशेष विशेषताएं हैं इसकी, या इसमें कौन सी विशेष घटनाएं रहती हैं अनकॉन्शियस माइंड में, उसके बारे में फ्रॉयड ने बोला कि इसमें ऐसे घटनाएं या ऐसी इच्छाएं जो हैं वो रहती हैं जिनको हमारा कॉन्शियस माइंड दमित कर चुका होता है। अब दमित कर चुका होता है या दमन क्या होता है, हमने बात की थी डिफेंस मैकेनिज्म्स में रिप्रेशन की। तो रिप्रेशन या दमन का मतलब होता है कि वो इच्छाएं जो हमें लगता है पूरी नहीं हो सकती, अनुचित हैं, अनैतिक हैं, गलत हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेतना के स्तर से निकलकर, वो चेतन मन से निकलकर वो कहाँ चली जाती है, अचेतन मन में। तो दुखद घटनाएं हैं हमारी, कोई दुखद हमारी मेमोरीज़ या दुखद स्मृतियां हैं हमारी, या कोई भी ऐसी डिज़ायर जो हमें लगता अनैतिक हैं, जो पूरा नहीं करी जा सकती, इड से रिलेटेड जो भी हमारी अनुचित जो डिज़ायर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती हैं। तो फ्रॉयड ने बोला कि इसलिए जो है ये अनकॉन्शियस माइंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के रिप्रेस्ड डिज़ायर्स रहती हैं, मानसिक संघर्ष जो होते हैं हमारे विभिन्न, वो यहाँ पर रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, और सबसे बड़ी बात कि इसके बारे में हम अवगत नहीं होते। जो हमारा चेतन मन है उसकी प्रक्रियाओं के बारे में तो हम पूर्णतया अवगत होते हैं कि वर्तमान में हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हमारे अंदर क्या भावनाएं, बाहर क्या हो रहा है। देन हमने सबकॉन्शियस की बात की कि जहाँ पर हम उस समय तो अवगत नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने के कारण हम उससे हम अवगत हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले, थोड़ा सोचने के बाद आपको पता याद आ गया डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ हमारी मेमोरीज़ या अनुभव जो है वो स्टोर रहते हैं। देन जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसकी जो घटनाएं होती हैं, इसमें जो भी स्टोर्ड होता है मटेरियल, उसके बारे में हम अवगत नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो कॉन्शियस ने कहाँ धक्का मार के पहुँचा दिया है अनकॉन्शियस माइंड में। और क्यों पहुँचाया है, क्योंकि उनके बारे में हम
याद नहीं रखना चाहते, वो गलत हैं या वो हमारे लिए दुखद हैं या हमारे साथ कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हमें बहुत दुख पहुंचा तो हमने उसको याद ही कभी नहीं करना चाहा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं अनकॉन्शियस माइंड में। तो इसलिए जो है ये हमें याद नहीं होती बिल्कुल भी, हम अवगत नहीं रहते उससे। तो फ्रॉयड ने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें स्टोर रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमें प्रभावित नहीं करती हैं। तो फ्रॉयड ने ये बोला कि जब भी मौका मिलता है तो अनकॉन्शियस माइंड की जो उसमें दमित इच्छाएं हैं या दमित घटनाएं हैं, वो दमित स्मृतियां हैं, दमित संघर्ष हैं, वो जो हैं वो कॉन्शियस में आने का प्रयास करते हैं। और ख़ास तौर से अगर ईगो का कंट्रोल, अहम का कंट्रोल जो है वो हमारे ऊपर से हट जाता है या हमारे हमारे ऊपर से कॉन्शियस का कंट्रोल हट जाता है, तो उस वक्त जो है ये कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल जब हट जाता है तो उस वक्त ये कॉन्शियस में आने की कोशिश करती हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे व्यवहार को भी ये बहुत हद तक नियंत्रित करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उन चीज़ों को रिप्रेस कर चुके हैं अनकॉन्शियस माइंड में तो वो जो हैं वो बेकार हो गई हैं या वो हमें परेशान नहीं करेंगी या वो हमारे व्यवहार को प्रभावित नहीं करेंगी, बल्कि वो लगातार कोशिश करती हैं कि जब भी मौका मिले तो निकल कर वो कॉन्शियस में चले जाएं और हमारे व्यवहार को फिर वो प्रभावित करती हैं। और इसको भी फ्रॉयड ने बोला है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है नॉर्मल व्यवहार के होने का या उसकी नींव पड़ने का, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड की जो चीज़ें हैं वो लगातार जब भी उन्हें मौका मिले वो बाहर आने की कोशिश करती हैं और फिर वो अनुचित व्यवहार करने की कोशिश करती हैं या वो हमें दुख देती हैं वो घटनाएं, उनकी स्मृतियां। और फिर ईगो सुपर ईगो भी अपने काम साथ साथ कर रहे हैं, तो जब भी ईगो कमज़ोर पड़ता है तो तब भी ये जो अनकॉन्शियस माइंड है वो अपने इच्छाओं को, दमित इच्छाओं की एक्सप्रेस करता है कॉन्शियस में आकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे व्यवहार को एबनॉर्मल या असामान्य बनाने में योगदान करती हैं, तो ऐसा फ्रॉयड का कहना है। देन जैसे ये हम एग्जांपल लें कि किस तरह से ये सब होता है, तो जैसे हमारे घर में एक स्टोर हाउस होता है या कोई ऐसा कोना घर का या ऐसा कमरा घर का जहाँ पर हम वेस्ट चीज़ों को रखते हैं, टूटी फूटी चीज़ों को रखते हैं या जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम वहाँ रखते रहते हैं ताकि हमारा दूसरा घर जो है वो साफ रहे, व्यवस्थित रहे। तो कुछ इसी तरीके से अनकॉन्शियस माइंड में हम चीज़ें रिप्रेस करके भेज देते हैं कॉन्शियस माइंड से और वो वहाँ पड़ी रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो हमने हटा दी हैं अपने घर से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ से गायब हो चुकी हैं, वो वहीं पर पड़ी हैं और कहीं ना कहीं हम उनके बारे में भूल भी जाते हैं कि वो हमने स्टोर करके रखी हुई हैं। तो कुछ ऐसा ही हालत होता है अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई चीज़ों का, लेकिन जब भी मौका लगता है वो बाहर आने की कोशिश करती हैं वो इच्छाएं, वो स्मृतियां, और वो दुखद होती हैं या अनुचित होती हैं, अनैतिक होती हैं, जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी हो जाती है, जो हमने पहले की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरलेट होकर जो है वो हमें असामान्य व्यवहार की हमारे अंदर नींव उत्पन्न करती है। दूसरा, जैसे हम आपने देखा होगा ड्रीम्स क्या होते हैं या स्वप्न क्या होते हैं, जब हम सोते हैं तो उस वक्त जो है हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसका कंट्रोल नहीं रहता हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर, और वो जो है कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है उस वक्त, व्हेन वी आर इन स्लीप, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। और इसीलिए हमें वो सब चीज़ें जो दमित हुई होती हैं, जो हमने पुश कर दी होती हैं अनकॉन्शियस माइंड में या अचेतन में, वो सारी चीज़ें स्वप्न के रूप में हमें महसूस होती हैं। तभी हम कभी हैरान होते हैं कि ये हमें सपना आया या ऐसा हमें दिखाई दिया, हम इस जगह पे गए, हमने ऐसा किया, तो वो कैसे हो गया जबकि हमने तो वो सब सोचा ही नहीं था।
तो उसका एक्सप्लेनेशन भी अनकॉन्शियस माइंड ही है कि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें स्वप्न के रूप में वो चीज़ें हमारे सामने लाता है या हमें वो महसूस कराता है जो चीज़ें हमने दमित कर दी हैं, और ये जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है असामान्य व्यवहार के उत्पन्न होने का। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मॉडल है साइकोएनालिटिक मॉडल या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये थ्रू वेरियस कॉन्सेप्ट्स थ्रू इडिगो सुपर ईगो कि किस तरह से ये जो अगर इडिगो सुपर ईगो जो है इसका बैलेंस खराब हो जाए या ईगो जो है वो कमज़ोर हो जाए और फिर इड और सुपर ईगो जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि ईगो जो है खींचातानी में दोनों को बैलेंस करने में नाकाम हो जाता है, तो उस दशा में भी एबनॉर्मल बिहेवियर की फाउंडेशन आ जाती है। देन स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हैं, डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं और हर स्टेज का जो है वो अपना महत्व है, अपनी डिमांड्स हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो भी असामान्य व्यवहार की जो नींव है वो व्यक्तित्व में पड़ जाती है। देन एंग्जाइटी है या चिंता है, उसका भी बताया फ्रॉयड ने कि किस तरह से एंग्जाइटी जो है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, सामान्य से असामान्य की तरफ ले जाने में योगदान देती है। तीन तरह की एंग्जाइटी बताई है, रियलिटी एंग्जाइटी, न्यूरोटिक एंग्जाइटी एंड मॉरल एंग्जाइटी, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने बात की डिफेंस मैकेनिज्म्स की या रक्षा प्रक्रमों की, किस तरह से एंग्जाइटी को कम करने के लिए हमारा मन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स की उत्पत्ति करता है और थ्रू द यूज़ ऑफ दोज डिफेंस मैकेनिज्म्स हमारी एंग्जाइटी जो है काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि वो वास्तविकता को थोड़ा सा उसमें परिवर्तन ला के हमें दिखाते हैं जो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, और हम कुछ समय के लिए एंग्जाइटी से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। लेकिन इनका बिल्कुल भी प्रयोग ना कर पाना या बहुत अधिक प्रयोग कर पाना जो है वो असामान्य व्यवहार को जन्म देता है। देन अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड जो है उसकी हमने आज डिस्कशन किया कि किस तरह से मन जो है वो फ्रॉयड ने बताया तीन स्तरों पे काम करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, और ये तीनों स्तर जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो भाग है मन का या सबसे बड़ा जो स्तर है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जहाँ पर बहुत सारी घटनाएँ हमारी स्टोर्ड रहती हैं जो कि जब भी मौका मिलता है तो वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं और फिर हमारे व्यवहार में असामान्यता उत्पन्न करने में भी अपना बहुत गहरा योगदान देती हैं। तो विद दिस साइकोएनालिटिक मॉडल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर वी हैव फिनिश्ड, और एज यूजुअल अपनी अटेंडेंस जो है आप उसमें कमेंट बॉक्स में डालते रहा करें। दूसरी बात ये है कि बीच में हम कोई लाइव भी सेशन कर लेंगे जहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह की बात हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मॉडल की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, फिर आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स आल्सो रिगार्डिंग दिस मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।